मैंने 30 साल की सेवाएं की है। मैं गुजरात का हैदरा हुआ हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हैदरा हुआ हूँ, पूरे भारत में 14 स्टेट के उनका मैं हैदरा हुआ। तो हर एक स्टेट में इन स्टेटों में मैंने आम आदमी तक काम किया। मैं बैंकिंग में रहते हुए उनके दुख दर्द हमने जाने हैं, उनके समस्याओं का पता लगाया कि वो क्या है, और जहाँ तक बैंकिंग में बैंकिंग के माध्यम से भी सेवा दी। आम आदमी में ज्वाइन करने का सबसे जो बड़ा मोटिवेशन ये रहा कि उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, एक विजन बनाया, और विजन के तहत वो टारगेट बनाया। टारगेट को अचीव करने के लिए जो रणनीति बनाई उसको समयबद्ध तरीके से तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है, और मैं भी कॉर्पोरेट लीडर हूँ, तो रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी में शामिल होना वो मेरे मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दूसरी बात ये थी, स्टूडेंट लाइफ से मेरे मन में हमेशा ये रहती थी कि अपने राजस्थान के लिए मुझे काम करना है, और जब भी मैं यहाँ पे आता था तो बहुत सारी समस्याओं को देख के मुझे विचित वो समस्याएं करती थी। इसीलिए मन में हमेशा ये रहता था कि एक दिन मुझे अपने स्टेट के लिए काम करना है, लेकिन वो विचलन इतना ज़्यादा हमेशा घूमता रहता था कि लास्ट में मैंने सोचा कि अभी मुझे अपना नौकरी छोड़ देना चाहिए और अपने राजस्थान के विकास के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने अपने पद से रिजाइन किया है, एंड रिजाइन करके मैंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मेरा मकसद यही है कि हम अपने राजस्थान को कैसे बीमारू स्टेट से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग उसका विकास कर रहे हैं, ताकि हमारी एजुकेशन, अभी आप देखिए कि एजुकेशन में हायर एजुकेशन में 22% जो बच्चे 100% से शुरू होते हैं प्राइमरी में, खाली 22% बच्चे ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब 78% ड्रॉप आउट हो जाता है। आज ड्रॉप आउट की जो संख्या है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, अपने लड़कियों का जो एजुकेशन है वो सबसे कम है, और जो ये समस्याएं हैं उनको हमें निदान करना है। बेरोजगारी में भी देखेंगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे, ये तो मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ वो सरकारी डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे में 12% हमारे प्रदेश की बेरोजगारी है, जो कि वन ऑफ द हाइएस्ट